हैदराबाद सिटी में कल होने वाला ये रहा हनुमान विजय यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा के लिए पूरी तरह बंदोबस्त प्रिपरेशन हो चुका है। एक आईजी स्वाति लकड़ा मैडम जानिब से डीसीपी, 5 एडिशनल डीसीपी, 10 एसीपी मिलके एक रैपिड एक्शन फोर्स 23 प्लेटून्स फोर्स पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं होने के लिए कम्युनल रोडिशेटर्स को काउंसलिंग करा है। जो तकलीफ देता है पब्लिक सेफ्टी को, डिसरप्ट करता है पब्लिक सिक्योरिटी को, पब्लिक ऑर्डर को, वो लोग के ऊपर पूरी तरफ सर्वेलेंस कंटिन्यू हो जाएगा। पुराना शहर में सुबह 5 प्रोसेशंस और शाम को 18 प्रोसेशंस, टोटल 23 प्रोसेशंस यहाँ से जाने के लिए वो तैयारी हो गए। एक एक प्रोसेशन के साथ एक टीम, ओके, वन एसआई और कांस्टेबल्स विथ लाइव कैमरा और 50 लाइव कैमरास, सीसी कैमरास मेन जंक्शन में लगा के जो करता है कोई तकलीफ होने के लिए करता है वो उनके ऊपर नजर रखेंगे। और ये रिटर्न, ये प्रोसेशन रिटर्न आने तक, ओरिजिनल प्लेस तक आने तक हमारा सर्विलेंस कंटिन्यू हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स में हनुमान शोभा यात्रा में कुछ इंसिडेंट हुआ था, ये पूरा स्टडी करने के बाद कहाँ कहाँ पिकेट्स लगाना है, कहाँ कहाँ स्टैंड बाय लगाना है, ये पूरी तरफ कर दिया गया है। 4 प्लेटून्स स्टैंड बाय में रखा है, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो इमीडिएटली वहाँ न्यूट्रलाइज करने के लिए। और सेंसिटिव प्लेसेस में भी पिकेट्स रखा है, तो 5 सेंसिटिव एरियाज में एक एसीपी इंचार्ज रख के उनको डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। आज से पूरा मस्जिद, पूरा टेम्पल्स सेंसिटिव एरियाज में पूरा पेट्रोलिंग करके कोई सस्पिशियस मैनर में तकलीफ लेने के लिए कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरफ तैयार है। एक्चुअली ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन अभी टेम्पररी 50 कैमरास लगा रहा है। ये पूरा कमांड कंट्रोल को कनेक्शन हो जाएगा। बिसाइड्स हर एक प्रोसेशन का पास हमारा पुलिस लाइव वीडियो कैमरा होता है, अगर कुछ गड़बड़ कर जाएगा तो इमीडिएटली मालूम हो जाता है, तो तुरंत 5-10 मिनट के अंदर रीएनफोर्समेंट्स आके वहाँ न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोशिश करें।